हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, जिसमें कि आपको मैं कराने वाली हूँ खाटू श्याम जी के दर्शन। जी हाँ, तो ये जो मेरा ब्लॉग है, मुझे नहीं पता था, अचानक हमारे पतिदेव जी ने बताया कि उनका प्रोग्राम हो गया है खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाने का। और ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। हमने फटाफट से यहाँ पर बनाई थी कुछ आलू की इस तरह से सब्ज़ी, और साथ में हम बना रहे थे पराठे। तो पराठे में यहाँ पर मैंने डाल दिया था नमक और थोड़ी सी यहाँ पे डाल दी कसूरी मेथी, क्योंकि इससे पराठे में बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और वैसे भी अच्छी लगती है। तो यहाँ फटाफट से एक सीटी लगाई थी और कुछ इस तरह से बनी थी सब्ज़ी, और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनी थी ये। यहाँ पे जब घर पे खाई थी तो मैंने थोड़ी स्पाइसी बना दी थी पराठे के साथ, क्योंकि उनको सफ़र करना था ट्रेन में, और तो फिर पराठे रख दिए थे काफ़ी सारे। अगले दिन पता चला था कि काफ़ी सारे हमारे वापस भी आ गए थे क्योंकि खा नहीं पाए थे। तो चलिए, यहाँ पर तो मैंने फटाफट से पैकिंग कर दी थी, और साथ में बनाया था पोहा। तो ये भी अपने घर का खाना अच्छा होता है कि बस सफ़र करना है और तब जहाँ पे भी उनको ब्रेक मिलेगा अपना घर का खाना खाएंगे और साथ में अपना रेस्ट हो जाएगा और वो अगले दिन वहाँ पे सुबह सुबह दर्शन करेंगे। तो चलिए, अब इस ब्लॉग में आप बने रहिए और साथ में आपको लास्ट में खाटू श्याम जी के दर्शन भी मिलेंगे। आपको बाहर से ही दर्शन, यहाँ पे मेरे पतिदेव जा रहे हैं खाटू श्याम और मिश्री खिला के। जय श्री श्याम, अच्छे से यात्रा हो उनकी। श्याम बाबा कृपा करना, अगली बार मुझे भी बुला लेना। और ये देखो लड्डू गोपाल तो जा रहे हैं, मैं उनको विदा कर आ रही हूँ जल्दी से। नीचे अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं, वो नूतन भैया के साथ जो कि जाएंगे गुड़गांव से। जय श्री श्याम। और अगली बार मुझे भी बुलाना श्याम बाबा। श्याम श्याम, अगली बार हम भी चलेंगे ना। हाँ। पापा के तो मजे में पापा हर बार बुला लेते। बैठे बिताए कहाँ चले, श्याम बाबा के दर्शन करने। तो चलिए बेटा अंदर से लगा लेना, आ रही हूँ अभी। चलो जा जाओ पीछे से। फ्रेंड, देखा आपने कितनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। एक छोटी सी क्लिप बनाई थी इन्होंने जब लाइन में लगते हैं दर्शन के लिए, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। और अब जैसे कि श्याम बाबा का भी 2-3 दिन पहले ही उनका जन्मदिन आया है, तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी फिर वापस आ गए थे क्या प्रसाद लेके आए थे। आप जरूर प्रसाद भी पाएँ और दर्शन कीजिए बाहर से ही श्याम बाबा के। और कौन कौन भक्त गया है दर्शन करने जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। श्याम देखो यहाँ पर आ गए थे हमारे दर्शन करके आ चुके हैं, और शिवान ने पूरा बैग छान खोजा है कि क्या क्या लेके आए हैं पापा। इसे टाइट करके रखो डब्बे, इसको बोतल को बेटा। उसने ये देखो मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ लेके आए हैं, और ये बच्चा तो एक कल गए थे वो और आज आ गए दर्शन करके। रात को लिया हुआ है बेटा, तो श्याम बाबा का प्रसाद दोनों दो पीस रख, दोनों अलग अलग। तो यहाँ पर प्रसाद जो लेके आए थे, सबसे पहले भोग लगा दिया था कृष्णा का और यहाँ रख दिया था हमने मंदिर में। उसके बाद मैंने प्रसाद बांटा था घर पे, और कुछ मैं मंदिर ले गई थी। जितने भी लोग मंदिर पे यहाँ पे आते हैं आरती में, तो सबको वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बट गया था। बस यही रहता कि प्रसाद जितना लोगों को चला जाए वो इतना ही, एक ऐसे जो भी होता है प्रसाद को ज़्यादा से ज़्यादा बांटने की मैं कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे लगा दिया था भोग, और ये अगले दिन की है जब हमारे श्याम घी और चीनी डाल के यहाँ पे बना दिए थे लड्डू। तो ये चूरमा वाले लड्डू वैसे कहते हैं ना, तो उनको बहुत प्रिय होते हैं। और बस मैंने अपनी मन और श्रद्धा से बस बनाए, कोशिश की थी कि उनका मैं भोग लगा दूँ। तो बस ये
फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आज जन्मदिन अपने खाटू श्याम जी का, जैसे कि जन्म उत्सव है, तो मैंने यहाँ पे बनाए हैं लड्डू चूरमा और वो उनके लड्डू बना दिए हैं। तो बस मैं अपने श्याम प्यारे को इसी का भोग लगाऊंगी, उनसे बस प्रार्थना करूंगी कि वो स्वीकार करें लड्डू चूरमा जैसे भी बने हैं। शिवांश ने भी भोग लगा दिया, मैंने भी, और हमारे कान्हा भी साथ में लड्डू खा रहे हैं, साथ में गौ माता के लिए भी रखा है। तो आज सच बता रही हूँ, मुझे सुबह से बिल्कुल भी पता नहीं था, मुझे उस दिन से याद था कि मेरे श्याम जी का जन्मदिन आने वाला है, और आज सुबह से ही बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया और मुझे एकदम से जब याद आया, अभी शाम को मैंने जैसे स्टेटस देखे थे तो मुझे एकदम से याद आया और मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ। बस मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए फटाफट से ये लड्डू चूरमा बनाए, यहाँ पे चूरमा से मैंने लड्डू बनाए हैं और भोग लगाया है। मेरे श्याम प्यारे से बस यही प्रार्थना करूँगी, मुझे क्षमा करें और बुजुर्ग माफ़ करें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें मेरे छोटे से परिवार पे। तो सभी को, हम सब की तरफ से आपको श्याम जी बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो, सभी पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम, जय लड्डू गोपाल जी, जय श्री कृष्णा।